हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आपके फेज वन में जितने भी शिफ्ट हुए उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशक ज्यामिति के जो है आपके सारे प्रश्न जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह के सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो के से लाभ जरूर मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसमें आपके तीन वर्टिसेस यानी कि तीन कोण दिए गए, ए, ओ और बी दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप फार्मूला से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं और मैं इसे आपको ट्रिक से भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप 5 या 10 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले जो है इसके फॉर्मूले जान लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका होता है 1/2, यहाँ पे जो आपका क्या हो जाता है मोड ऑन हो जाता है, फिर आपका क्या होता है x1, फिर आपका ब्रैकेट में चला जाता है y2 - y3 आपका आ जाता है, फिर यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाता है, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे x2, फिर आपका ब्रैकेट में चला आएगा y3 - y1 आपका हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा x3, फिर ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y1 - y2 आपका आ जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे मोड को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप जो है इस तरीके से भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसे हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको परीक्षाओं में जो है समय बचाने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आपको किसी भी पॉइंट को जो आप पहले लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले पॉइंट जो है क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो ए मानने पे आपको क्या हो जाएगा 0 और 8 जो है इस तरीके से लिख देंगे। फिर अगली पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट का जो है वैल्यू आपका क्या दिया गया है 0 और 0 दिया गया है। फिर आपका अगला पॉइंट क्या दिया गया है, बी दिया गया है, तो बी जो आपका कितना वैल्यू दिया गया है 5 और 0 दिया गया है। तो जो आपने पहला बार में लिखा है, जो पहला बार में आपने 0 और 8 लिखा उसे क्या करेंगे रिपीट करके फिर से जो है एक बार जरूर लिख देंगे। यहाँ पे जो है क्या करेंगे 0 और 8 मैंने फिर से लिख दिया और इसे जो आगे क्या करेंगे, आगे जो है इसे क्या करना है क्रॉस जो आप मल्टीप्लाई करते जाना है, इसे जो है क्रॉस तरीके से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले जो है बाहर क्या करना, आपको जिस तरीके से इसमें हाफ लिखे उसी तरीके से आप जो है पहले हाफ यहाँ पे लिख दे, इसमें भी जो आपका क्या रहेगा मोड ऑन रहेगा। यहाँ पे अब क्या करना है गुना करते जाना, आपको क्रॉस गुना करते जाना है। तो 0 से 0 गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, फिर 0 से 0 गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पे जो है 5 से 8 में गुना करेंगे तो आपको कितना चलाएगा यहाँ पे 40 चलाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आपका माइनस का साइन देना, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस का साइन देना है। फिर इसे जो है इस तरीके से उल्टे तरीके से जो है क्रॉस गुना करना है, उल्टे तरीके से क्या करेंगे क्रॉस से गुना कर देंगे। तो 8 से 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना चलाएगा 0 चलाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 0 से 5 में गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 0 से 0 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोड क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फिर जो है अंदर क्या करना है कैलकुलेशन कर लेना, तो 0 + 0 + 40 करेंगे तो 40 में से आपका 0 गया तो आपका 40 ही आएगा। फिर देखेंगे 2 से जो है 40 को जो है यहाँ पे काटने पर आपका एरिया कितना चला आता है 20, यहाँ पे आपका एरिया चला आता है। तो ये आपका 20 जो क्या हो गया, ये जो आपका ए ओ बी का जो है पूरा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको मैंने जैसे बताया है कि इसमें आपको किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं पहले ओ पॉइंट को लेता हूं, तो ओ पॉइंट को यहां पे क्या करें इसी तरीके से पहले 0 0 ले ले, फिर आप बी पॉइंट को लो तो यहां पे 5 0 ले ले, फिर आगे जो है ए पॉइंट को ले तो 0 और 8 ले ले। आपको पहले भी बताया गया कि जो पॉइंट पहले आपने लिखा है उसे जो है क्या करें एक बार और लिख दे, तो यहां पे क्या लिख देंगे 0 और 0 लिख देंगे। फिर उसी तरीके से इसे भी क्या करना है क्रॉस गुना करते जाना है आपको। तो आपको जो है इसी तरीके से जैसे यहां पर आपको हल किया गया था उसी तरीके से आप यहां पे भी क्या करेंगे हल कर देंगे। तो यहां पे मोड आपका ऑन रहेगा, 0 से 0 गुना करेंगे तो 0, 5 में से 8 आपका गुना हुआ तो 40, फिर 0 में से 0 गुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा 0। यहां पे हमेशा आपको माइनस का साइन, यहां पे जैसे बताया गया था कि माइनस का साइन आपको रखना है तो माइनस का साइन रखें। फिर आपको जो है अपोजिट साइड से आपको क्या करते जाना है क्रॉस से गुना करते जाना है। तो 0 से जब 5 में गुना करेंगे तो आपका कितना चला आएगा 0, 0 से 0 गुना करेंगे तो 0, 8 * 0 गुना करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपका चलाएगा जीरो चलाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे मोड को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हाफ आ गया। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो प्लस चालीस प्लस जीरो यहाँ पे चालीस आ जाएगा, माइनस जीरो तो आपका कितना आएगा चालीस ही आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे दो से चालीस को जो है काटेंगे तो बीस मरते में आपका चला जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा आंसर बीस आ जाएगा। तो आपके तरीके बदलने से कभी भी जो आंसर नहीं बदलते, तो किसी भी स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीस ही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो आपको इस फॉर्मूले तरीके से भी जो आप कर सकते हैं, आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको जो भी जो आपको बेनिफिशियल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी जो है आपको पिछले तरीके से ही क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी और सी जो है यहाँ पे तीन वर्टिसेस जो है आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है क्या करना है, उसी तरीके से जिस आपको तरीके से जो है शॉर्टकट तरीके से बताया गया था, किसी भी पॉइंट को आप पहले ले ले, तो मैं यहाँ पे दो और पाँच को ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे दो और पाँच यहाँ पे आपके आ गया, अगला पॉइंट जो आपका कितना आ जाएगा माइनस चार और जीरो चलाएगा। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट लेंगे तो फाइव और फोर। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि पहला जो पॉइंट आपको जो आपने पहला बार लिया तो उसे क्या करेंगे एक बार और रिपीट करके यहाँ पे लिख देंगे, तो टू और फाइव जो एक बार आप और रिपीट करके लिख दिए। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे क्रॉस गुना करते जाएंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे हाफ जो आपको हमेशा लेना है बाहर में, फिर आपका मोड ऑन रहेगा। यहाँ पे जो है क्या करेंगे दो में से इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आपका चलाएगा, माइनस चार और इंटू जो है प्लस फोर में जो है गुना करेंगे तो आपका कितना चलाएगा माइनस सोलह चलाएगा। यहाँ पे जो है पाँच पच्चीस पच्चीस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस पच्चीस कर देंगे। यहाँ पे आपको हमेशा माइनस का साइन रखना है। यहाँ पे जो आप क्या करेंगे अपोजिट साइड से जो है क्या करेंगे क्रॉस गुना करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा पाँच चौक बीस यानी कि माइनस बीस। जीरो इंटू फाइव करेंगे तो आपका कितना चलाएगा जीरो चलाएगा। यहाँ पे जो है फोर इंटू टू करेंगे तो कितना आ जाएगा एट आ जाएगा। मोड क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे अंदर में कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस सोलह प्लस पच्चीस है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा प्लस में कितना चलाएगा पाँच चार नौ चलाएगा। और यहाँ पे देखेंगे माइनस बीस है प्लस आठ है यानी कि माइनस बारह बचेगा, तो माइनस बारह जब बाहर में माइनस से गुना होगा तो क्या होएगा प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस बारह हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने पे बारह और नौ कितना आता है इक्कीस आता है, तो इक्कीस बाई टू जो आपका क्या हो गया एरिया हो गया। तो आपका आंसर जो है क्या दिया गया पॉइंट में दिया गया, तो 10.5 जो आपका कितना क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कितना होगा 10.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें देखेंगे कि आपको ध्यान देने लायक है कि इसमें आपको क्या दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, और आपसे जो है शीर्ष में जो है एक यक्स का मान जो है आपको क्या दिया गया, ये जो आपका यक्स वन जो है मान है आपका वैल्यू आपको निकालने के लिए इसमें कहा गया है। तो आपको जो है वो जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया उसी तरीके से आप इसे भी जो है हल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं पहला पॉइंट जो है ए को मानता हूँ, तो ए को आप क्या मानना है यक्स जो है आपको दिया गया है यक्स और थ्री मान लेंगे, और जीरो जो है आपको क्या करना है जीरो आप उसी तरीके से आगे भी जो है लिखते जाएंगे फोर बाई सिक्स लिख देंगे। फिर जो है बी का वैल्यू क्या दिया गया टू और सेवन दिया गया, तो टू और सेवन लिख देंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि पहली बार जो आपने लिखा है जिससे पॉइंट को उसे जो आपको क्या करना है एक बार रिपीट करना है, तो यक्स और थ्री जो है क्या करेंगे फिर से लिख देंगे। फिर आपको क्या करना उसी तरीके से क्रॉस गुना करते चले जाएंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना करते चले जाएंगे। तो आपको पता है कि हाफ जो है आपको लिखना है, फिर आपको मोड देना है, फिर आपको क्या करना है सिक्स इंटू एक्स करेंगे तो सिक्स एक्स आपका हो गया, सात चौक आपका कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू टू करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का आपका साइन आ जाएगा। फिर जो आपको अपोजिट साइड से क्या करते जाना है क्रॉस गुना करते जाना है, क्या करते जाना है क्रॉस गुना करते जाना है, तो आपको क्या हो जाएगा चार तिया बारह हो जाएगा, प्लस छः दूनी बारह हो जाएगा, फिर सेवन और यक्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सेवन यक्स आ जाएगा, और आपको जो है मोड क्लोज कर देना। आपको जो है एरिया यहाँ पे दिया गया, एरिया आपका कितना दिया गया चार दिया गया, तो इक्वल में आप क्या करेंगे फोर लिख देंगे। यहाँ पे जो है चार से यहाँ पे जो है दो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आठ जो है आपका इधर चला आएगा। यहाँ पे जो आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे तो सिक्स एक्स प्लस जो आपका कितना आ जाएगा मोड में आपका यहाँ इधर यहाँ पे रहेगा आपका कितना चलाएगा सिक्स एक्स प्लस अट्ठाईस अच्छे जो है आपका कितना हो गया चौंतीस हो गया, माइनस जो है यहाँ पे साइन है बारह बारह आपका जो है कितना हो गया चौबीस हो गया, और प्लस सात एक्स हो गया।
तो आगे भी जो है इसे हल कर देंगे तो 6x, और यहाँ पे देखेंगे अंदर जाने पे यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस x बचेगा। और यहाँ पे 34 में से आपका 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 10 आपका बच जाएगा, इक्वल टू जो आपका क्या है 8 है। तो यहाँ पे माइनस 10 जब उधर जाएगा तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा, यानी कि x का मान जो आपका कितना चला आया, 2 चला आया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखेंगे कि आपको दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, इसमें जो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आपको पहले फेज में जो है बहुत सारे प्रश्न उससे देखने को मिले हैं, तो आगे आने वाले जो है आपको एनटीपीसी के सारे परीक्षाओं में जो है चतुर्भुज से देखने को आपको प्रश्न बिल्कुल मिल सकते हैं, तो इसे भी जो आप एक बनाकर चलिएगा। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ए बी सी डी जो है आप क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है आपका एक चतुर्भुज है। तो ये मान लीजिए 4 और 2 दिया गया है, और ये इसे क्या दिया गया, 8 और 2 दिया गया है, और इसे जो है क्या दिया गया है, 8 और 14 दिया गया है, और इसे जो है क्या दिया गया है, 4 और 10 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 और 10 दिया गया। इसे क्या मैं इसे 2 त्रिभुजों के रूप में बांट सकता हूँ, तो बिल्कुल बांट सकता हूँ। तो ए और इसे बी मान ले कुछ समय तक, इसे सी मान ले, और इसे आप क्या करें, डी मान ले। तो ए बी सी जो आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, क्या हो गया आपका ए बी सी, एक आपका यहाँ पे अलग त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज जो आपका क्या हो गया, ए डी सी आपका एक अलग त्रिभुज हो गया। तो दोनों का अलग अलग जो है आपका एरिया निकाल के क्या कर देना है, वहाँ पे जोड़ देना है। तो चले पहले जो है हम लोग ए बी सी का एरिया निकाल कर देख लेते हैं। तो आपको जैसा कि बताया गया था, जो पहली जो है संख्या उसे जो है डबल बार करके लिखना है, तो पहले जो हम लोग क्या मान लेंगे, 4 और 2 मान लेंगे। फिर आगे जो है बी का क्या दिया गया, 8 और 2 दिया गया। फिर आगे क्या दिया गया, सी का 8 और 14 दिया गया। फिर आगे क्या दिया गया, 4 और 2 दिया गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्रॉस से जो है गुना करते जाना है। क्या करना है, क्रॉस गुना करते जाना है। आपको पता है कि हाफ बाहर में आपका रहता है, मोड यहाँ पे कर देंगे, 4 दुनिया आपका क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस करेंगे 14 8 ही आपका कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, प्लस 8 दुनी 16 आपका चला आया। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे, फिर यहाँ पे अपोजिट साइड से क्रॉस से आपको क्या करते जाना है, गुना करते जाना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 8 दुनी 16 प्लस 8 दुनी 16 प्लस 14 चौक आपका कितना आ जाएगा, 56 चला आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, मोड को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आगे हल करने पर जो आपको कितना आता है, 112 और 8 120 और 16 जो आपको कितना हो जाता है, 136 हो जाता है। कितना हो जाता है, 136। यहाँ पे जो है माइनस का साइन है, 16 16 जो आपको कितना हो गया, 32 32 में जब 56 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 88 चला आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, मोड दे देंगे, हाफ जो है आपका अंतर जो है दोनों का कितना चला है, 36 और उधर से 12, यानी कि आपका जो है कितना चला आया दोनों का अंतर, 38। 200 काटेंगे तो आपका कितना चला आएगा, 24 बार में आपका जो है कट जाएगा। यानी कि ए बी सी का, यानी कि इतना का एरिया, ए बी सी का एरिया जो है कितना चला आया, 24 आ गया। तो जब मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, दोनों का जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए ए डी सी का भी जो है हम लोग एरिया निकाल के देख लेते हैं। तो ए को जो है पहली जो है मान लेते हैं, यहाँ पे 4 और 2 है, और इसे जो है अगली क्या मानते हैं, डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4 और 10 हो गया। फिर अगली बार जो है सी को मानना है यहाँ पे है, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 14 लिख देंगे। आपको जैसा कि बताया गया था कि पहला जो आपने लिखा है उसे जो है क्या करना है, एक बार रिपीट करना है। तो 4 और 2 जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है इसे भी क्या करना है, क्रॉस से जो है गुना करते जाना है। क्या करते जाना है, क्रॉस से जो है गुना करते जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रॉस से जो है गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना चलाएगा, 10 चौक 40 चलाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 14 चौक 56। फिर यहाँ पे जो आगे प्लस करेंगे, 8 दुनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या करना है, माइनस का साइन दे देना। फिर यहाँ पे जो अपोजिट साइड से क्या करते जाना है, क्रॉस से गुना करते जाना है। तो आपका कितना हो गया, 4 दुनी 8 हो गया, प्लस 10 8 80 हो गया, प्लस 14 चौक आपका कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, मोड को क्लोज कर देंगे। फिर आगे जो है इसे हल कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 40 56 प्लस 16 करेंगे तो आपका कितना चलाएगा, 112 आपका आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे प्लस 8 यानी कि 80 और 56 जोड़ेंगे तो आपका कितना चलाएगा, 144 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि जब मोड के अंदर रहेगा, जब मोड के अंदर यहाँ पे जो आपका क्या आता है, -2 आता है, तो मोड के जब बाहर जाने पर वहाँ पे क्या होता है, माइनस आपका हट जाता है। तो जब माइनस करेंगे 144 और 112 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
32, तो 2 से जो है आपको 16 को काटना है, 32 को काटना है, तो कितने बार में चला आएगा, 16 बार में। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, ए डी सी का आपका क्षेत्रफल जो है कितना आ गया, 16 आ गया। तो आपको जो है पूरा चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्या इतना हो जाएगा आपका 24 + 16 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 40 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 40 इकाई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में चलिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।